जालौर एसपी अग्रवाला ने किया जीवाना पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण। जालौर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने शनिवार को सायला उपखंड के अस्थायी पुलिस चौकी जीवाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र की चौकी प्रभारी बाबूलाल से जानकारी ली। वहीं क्षेत्र में अनार मंडियों की जानकारी लेते हुए ट्रैफिक व्यवस्था के निर्देश दिए। इस दौरान थानाधिकारी ध्रुव प्रसाद, जीवाना सरपंच उत्तम सिंह दवेसा, अर्जुन सिंह दवेसा, भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम सौंदरी, गैनाराम भेड़ाना, करनाराम सौंदरी सहित चौकी के स्टाफ मौजूद रहे। स्थायी चौकी यहाँ थाना जल्द ही स्वीकृत हो, इसको लेकर आपके क्या प्रयास है? जैसा कि आपको पता है कि जीवाना चौकी जो सायला थाना हल्के में आता है, यहाँ पर व्यवसाय भी बढ़ रहे थे, अपराध भी बढ़ रहे थे। इसको देखते हुए सायला थाना में यह स्थायी चौकी शुरू की गई है। इसका प्रस्ताव जल्द ही हम पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग में भेज करके इसको स्थायी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं जी। और भी जो क्षेत्र में यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो रहा है, उसको लेकर आपके निर्देश? ट्रैफिक के लिए, व्यवस्था के लिए यहाँ जाप्ता लगाया गया और इसको समय को देखते हुए जाप्ता बढ़ाया भी गया है। ट्रैफिक को भी सुचारू करेंगे, जो मंडियाँ यहाँ लगनी शुरू हुई है उनको भी सही तरीके से चले, और नाकाबंदी करते हुए जो आगे आने वाले अपराध जो बढ़ते हैं वो बढ़ने से पहले ही थम गए। पुलिस की ओर से ऐसा कोई और विशेष अभियान वगैरह चल रहा है क्या अभी? अभी हमने नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान संजीवनी चलाया हुआ है। इस संजीवनी अभियान में हमने कुल 44 गांव व कस्बे चिन्हित किए, जिसमें पुलिस प्रशासन व जनप्रतिनिधि द्वारा लोगों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है कि कैसे जो नशा है वो उनको व उनके परिवार व राज्य को कैसे बर्बाद कर रहा है, और इसे छोड़ने से, त्यागने से कैसे उनका भला हो सकता है।